ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरियेत। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, आज का हमारे प्रवचन का प्रसंग है राम नाम सिमरन। राम नाम के कीर्तन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कली केवल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर पावहि पारा। प्रिय श्रोताजन, कलयुग में भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन राम नाम सिमरन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रविच दशरथ अजर बिहारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होही पदार्थ चारी, तेसी राम कहो कामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जेही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कली संतरणोपनिषद में परम पवित्र राम नाम सिमरन का उपदेश दिया गया है। हरि ओम। द्वाप्रान्ते नारदो ब्राह्मणं जगाम कथं, भगवन् गां पर्यटन कलिं सुन्त्रे मिति। स होवाच हिरण्यगर्भं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडश तम नामन कलि कलमसनासनम, यह 16 अक्षर का परम पवित्र महामंत्र कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। हरि ओम तत्सत। शांति शांति शांति। शांति सभा में, सत्संग में जो श्रोताजन, जो भक्तजन इस परम पवित्र आध्यात्मक वीडियो में राम नाम के सिमरन का फल श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल कृष्ण भगवान की जय। द्वापर के अंत में नारद जी वर्मा जी के पास गए और बोले, हे भगवान, मैं भूलोक में पर्यटन करता हुआ जहाँ पर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ, और यह सोचता हुआ आपके दर्शनों के लिए आया हूँ कि किस प्रकार कलियुग में
हम रक्षा पा सकते हैं, हम त्राण पा सकते हैं, हम भवसागर से पार हो सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुमने बहुत से परम पवित्र यह श्री राम नाम महामंत्र का सुंदर प्रश्न किया है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पार। समस्त श्रुतियों का जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो। ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहने लगे, हे नारद, जैसे कलयुग में भव सागर को पार कर लोगे, भगवान आद पुरुष श्री नारायण के नामोच्चारण मात्र से मनुष्य कलियुग के दोषों का, कलियुग के पापों का नाश कर डालता है। नारद जी ने फिर निवेदन किया, हे भगवान, वह कौन सा नाम है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे नारद, ये 16 नाम का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कलि के पापों का नाश करने वाला है, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदों में भी नहीं देखने को आता है। इसके द्वारा षोड़श कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे मेघ के विलीन होने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म रूपों के दर्शन हो जाते हैं। फिर नारद जी ने कहा, पूछा, भगवान, इसके जप की क्या विधि है? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी कोई विशेष विधि नहीं है, पवित्र होकर जा पवित्र अवस्था में इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला भक्त चारों प्रकार की मुक्ति को पा लेता है। जो सदगति है, जो मोक्ष है, यह चार प्रकार का उपदेश किया गया है कि चार प्रकार की यह परम पवित्र मोक्ष है जो भक्तों को प्राप्त हो सकता है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, साजुज्य मुक्ति। यह चारों प्रकार की मुक्ति वह भगवान का महामंत्र का नाम जपने वाला भक्त प्राप्त कर लेता है। हे भक्तजन, हे श्रोताजन, इसका परम प्रिय भावार्थ यह है कि 16 नाम वाला जो भगवान का यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह 16 नाम का परम पवित्र महामंत्र, यदि भक्तजन इसका निरंतर कीर्तन करते रहते हैं तो वह सहज में ही भव सागर को पार करके
चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पावहीं पारा। भगवान शिव माता पार्वती को राम नाम की महिमा बताते हुए उपदेश करते हैं, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल निसाही। करतल होहिं पदार्थ चारी, तेसिये राम कहो कामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदासरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जेहि जपत पुरारी। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। इसलिए प्रिय श्रोता जन, जब भी हमें जीवन में समय मिले, जब भी हमारा मन भक्ति में तत्पर हो, तो हमें इस भगवान के 16 नाम वाला जो परम पवित्र मंत्र है, उसका सदा कीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई हव संतन भगतन की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।